भाई पीछे की जा पीछे, अल्तमास जल्दी आओ भाई, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। Bye. Bye, bye, bye. बस जेरी कैन बांधना है सब पे, अभिनव का भी आधा घंटा और लगने वाला बैग लोड करने में। एक दुख भरी खबर, हमारे प्रिय मित्र राजीव रंजन, आरजीवी राजीव, नोमैडिक राजीव, टी शर्ट पहने हुए नोमैडिक आरजीवी, आज जो है इनको वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है। क्या, क्योंकि इनका तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी, टेबलेट पे खा खा के फिर वो रह रहे थे, लेकिन इससे आगे क्या नहीं, इससे आगे बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और वहाँ से रिटर्न बैक होना इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह लगेंगे, दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का आरएसए है, तो 200 विद इन 200 किलोमीटर आरएसए वो प्रोवाइड करते हैं, तो विद इन 200 किलोमीटर मनाली में हमारा रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे ये टो करवा देंगे और खुद ट्रक पे बैठ के जाएंगे अपना। वहाँ से शायद आज रात में ही दिल्ली निकल जाएंगे। जो ये क्या होता है ना कि अगर लगता है कि तबीयत आपका खराब हो रहा है, तो इस बेटर कि यहाँ पे एक दिन स्टे ले लो, तबीयत ठीक कर लो, अगर तब भी ठीक नहीं होते तो वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते होने वाले। राजीव भाई से हम लोग अलविदा ले रहे हैं, बढ़िया से आराम से एकदम 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 पटना में मिलते हैं इनसे हम। शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से, हर हर महादेव। ठीक है भैया, थैंक यू, ओके बाय। यहाँ से जो है हमें आज डिस्टेंस जो तकरीबन करना है वो है 100 या 120 के आसपास, लेकिन वही डिस्टेंस कवर करने में ना बहुत ज़्यादा लगने वाली है हमारी वॉट, क्योंकि रास्ता ही वैसा है और माना जाता है कि टफेस्ट रास्ता है वो पूरे लद्दाख रीजन का। कारगिल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जो जांसकार वाला रीजन है, हम लोग लेह की ओर बढ़ेंगे, और आज का जो हमारा स्टे होने वाला है वो है पूर्णे में। अगर आप जिस्पा में रुकने का प्लान कर रहे हो, फिर मनाली में रुकने का प्लान कर रहे हो, तो जिस्पा में आओ, रुको, अल्टीमेट आपको फील आएगा और नज़ारा तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा ही, क्योंकि आपने देखा ही है कितना खूबसूरत और कितना शानदार जो है नज़ारा है यहाँ का। और हमारे साथ अल्तमास भाई हैं, और राजीव भाई नहीं आ पाए, बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली कि हम लोग इतना सारा प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ करके और बीच में उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज ऑन। वाह वाह वाह, क्या नज़ारे, क्या रोड, क्या महफिल, क्या पहाड़, क्या बादल, क्या हम लोग जैसे राइडर, वाह वाह वाह, क्या बात। और इधर से जो है बारा लाचला 54, सरचू 86, और दारचा है 9 किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर बाद जो है हमें लेफ्ट की ओर मुड़ना है, और राइट में जो चला जाता है वो ले मनाली रोड से ले चले जाओगे, आपको अभी दिखाते हैं। और जिस्पा से 5-6 किलोमीटर आगे आओगे तो ये खूबसूरत सा जो है यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज का श्री राजनाथ सिंह के द्वारा है, ये दारचा ब्रिज कहते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाहौल एंड स्पीति, वहाँ पर एंट्री करवाना पड़ेगा। बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क, तो इसके बाद आपको नेटवर्क नहीं मिलने वाला। गंदा लग गया है सर, तो यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर वगैरह लिखवाना पड़ता है। ये जो ब्रिज है ये ले मनाली हाईवे में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो आपको जो है ये दारचा जो चेक पोस्ट था, ये आपको 12 बजे दोपहर के पहले पहले तक पहुँच जाना है, मतलब क्रॉस कर लेना है, क्योंकि क्या होता है कि ये बाइकर्स को अलाउ नहीं करते हैं 12 बजे के बाद। सरचू यहाँ से 75 किलोमीटर है, और सुबह सुबह जो है हमने टाइमॉक्स ले लिया था, तो जो AMS का जो खतरा होगा वो थोड़ा टल जाएगा। AMS का मतलब है एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, जिसकी वजह से
आपको चक्कर आने लगेंगे, सर भारी होने लगेगा, सांस स्लो हो जाएगा आपका। बाकी इधर के पहाड़ देखो, एकदम खड़े से पहाड़, एकदम खड़े से भाई, कोई ट्रैकिंग भी नहीं कर पाएगा इस पहाड़ों पे। तो कह रहा था पहाड़ दूर होता तो थोड़ा ठीक ठाक दिखता, अब पहाड़ एकदम सामने होना, एकदम खड़े चट्टान की तरह तो लगेगा अजीब ही एकदम। बट यहाँ पे क्या है कि हर टर्न्स पे ना आपको अलग ही व्यू मिलने वाला, अलग कलर के पहाड़ मिलेंगे। और यहाँ से जो है हमें स्ट्रेट जाना जानस्कार के लिए, और ये जो चला जाएगा आपका ले मनाली हाईवे, वहाँ पे देखो सरचू लिखा हुआ है। सिंकुला जो है 39 किलोमीटर्स, और प्रोजेक्ट योजक वेलकम्स यू ऑन दारचा सिंकुला रोड, और पदुम 143 किलोमीटर है। तो जानस्कार में जो है वेलकम है जी आपका। मोस्टली जो लोग होते हैं वो ले मनाली हाईवे सरचू वाया सरचू होते हुए जाते हैं ले, लेकिन ये रूट बहुत कम लोग लेते हैं। तो जानस्कार रीजन जो पूरा है ना, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द एरिया जो है ना आपको इस टाइम में ग्रीन दिखने वाले हैं। यहाँ पर ब्रिज बन रहा है नया, ग्रुप राइड में आपको सबको ले कर चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक को पीछे छोड़ दो आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं होता जी। और ये देखो, ओ भाई क्या नाला है, फ्लो तो देखो आप इसका, नेक्स्ट लेवल। और दूर पहाड़ पे बर्फ दिख रहा है। और जानस्कार जो का जो ऑफ रोडिंग है वो थोड़ा थोड़ा अपना झलक दिखा रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली ग्लेशियर जो है ये पिघल रहा है, और पानी का रंग कितना साफ है, मतलब एकदम दूध सा एकदम है। नज़ारे के तो यही पैसे हैं। अभी देखो ये ब्राउन वो वाइट, अलग ही कॉम्बिनेशन है। बाय। बाय बाय बाय। तकरीबन 11,000 फीट से, 10,500 या 11,000 फीट से 16,500 फीट पे जा रहे हैं सिंकुला पास। ऑब्वियसली चढ़ान बहुत ज़्यादा होगी, ये चढ़ान करने में दिक्कत नहीं है, उतरने में दिक्कत है। क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ऊपर से ग्लेशियर जो है जो बर्फ है वो पिघलेगा, और नीचे जो वाटर क्रॉसिंग वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब स्लोप पे क्या होता है, डिक्लाइन पे अगर वाटर क्रॉसिंग अगर ज़्यादा मिल गई आपको, क्योंकि बैलेंस नहीं बनता ना, और ग्रेविटी की वजह से वो बाइक और नीचे खींची चली जाती है। वो देखो वहाँ पे कितना अल्टीमेट नज़ारा दिख रहा है वहाँ से, मतलब खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ पे। अगर कैमरा में पता नहीं है पता चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे एकदम बीच में ये दोनों पहाड़ के बीच में जो है स्नो कवर्ड माउंटेंस है, ऊपर डेंस क्लाउड है, तो अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ से। कितना ज़्यादा रोड स्ट्रिप है, मतलब चढ़ान आपको पता नहीं, कैमरा पता नहीं चल रहा होगा उतना, लेकिन रोड ऐसे होती है ना, कुछ चढ़ान ऐसी होती है, ये बिल्कुल ऐसी है ऐसे। और इस पे मेरी बाइक 2 या 3 नंबर में चल रही है बाइक, 4 नंबर तो लग ही नहीं पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लोडेड बाइक है ना कि मोमेंटम भी उतना बन नहीं पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली कर्व्स वगैरह पे आपको धीरे करना पड़ जाता है। और ये फिर से जो है ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कहना है कि अभी हल्का मानसून का टाइम है ना, तो कहीं कहीं जगह पे क्या होता है लैंडस्लाइड या फिर पत्थर वगैरह गिरते हैं। ये जो जेसीबी है ये पेट्रोलिंग में रहता है कि कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड इस टाइप का हुआ है। और ये जो है छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, आप सुनो सुनो मेरी बात सुनो सुनो, आप वीडियो रिकॉर्ड करने के इसमें हुआ ना, ये मत ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ ये दूसरी बार था। अब इसके क्या कहने बताओ। और अभी जो है ये छोटे छोटे जो गिट्टी होता है ना, वो वाला रोड को अभी क्रॉस किया ना, मतलब गाड़ी ऐसे वॉवर कर रही थी ऐसे ऐसे, क्योंकि गिट्टी पे ना बाइक की जो व्हील होती है वो स्किट करती है फ्रंट वाली, जिसकी वजह से आपका अनबैलेंस होना ऑब्वियस है। इतना ज़्यादा स्टिप है ये, पता नहीं कैमरे में एकदम नहीं दिख रहा होगा आपको। और ये देखो पानी जो है रोड पे आ गया है, और इसको जो है आराम से पार करना पड़ेगा। बर्फ जो है ना ये पिघल रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्रॉसिंग तो हो गई होगा। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है,
देखो भाई, ये तो पूरा रोड ही पूरा भींगा हुआ है पानी से है। ये देखो आप, आराम से आराम से आराम से। इसमें ना साथ में गिट्टी भी आ रही है, और जो तो गिट्टी आते हैं वो बीच बीच में देख लो, ये गिट्टी आ रहा है बीच बीच में, तो आपको आराम आराम से जाना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये मेरे जूते के अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो गया। ओ भाई, ये तो और ख़तरनाक हो गया, ये कैसे पार होगा। अब देखो जूता भींगना कन्फर्म है, पहले हम पार करते हैं लेकिन बाइक को पकड़ के पार करवाना होगा। देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, गड्ढा है। ट्राई करें हम अकेले? हाँ अकेले हम सजेस्ट ही करेंगे भाई पार करने का। वैसे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है। हर हर महादेव। चलो जी, हियर वी कम। पीछे था, पीछे अल्तमास, जल्दी आओ भाई, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, पीछे पीछे। आजा आजा भैया प्लीज। भैया पीछे की जो पीछे, पीछे पीछे भैया, वन गो में, वन गो में इधर से पार करेंगे। वो भी आ रहा, जल्दी कीजिए। अविना आ जाओ, अविना। अरे भाई मेरा भी है भाई, अविना आ जाओ। रुको भाई, रुको रुको
रुक जा भैया। अभिनव सीधा। जूते सारे गीले हो चुके हैं और अभी बाइक वहाँ पे लगी हुई है, मतलब मेरी बाइक जो है ना यहाँ बीच में आके मानो तो गिरते गिरते बची और गिरते गिरते हम बचे और भगवान की दया से सही सलामत जो है दो भैया लोग आए थे इधर बैक में बाइक को खींच के साइड में लगाया, नहीं तो अगर ये और ये रहते सिर्फ तो बाइक मेरी नीचे जानी तय थी, कंफर्म था। क्योंकि इस पानी में ये लोग शूज़ में थे और ये क्रॉक्स में था, बहुत ज़्यादा पैर सुन हो रहे थे, मैं तो फिर भी स्टेबल हो गया था शूज़ की वजह से, लेकिन अगर मैंने क्रॉक्स पहना होता ना तो मेरी बाइक जो है गिर चुकी होती। कैसे तैसे करके जो है वापस यहाँ पे बाइक लगाई गई, अभी डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है। अभी जो है ये जेसीबी आया है और देखो पानी का फ्लो जो है यहाँ पे एक बैरियर बना दिया, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये उस तरफ का ही पानी का फ्लो कम करेंगे। लेकिन हमारा कहना कि अभी टाइम करीबन 1:30 बज रहा है तो आगे सिंकुला पास यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर ही है, तो दिक्कत यह है ना कि जाने का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर भी ना वाटर क्रॉसिंग वगैरह है, नाले वगैरह है, तो वहाँ पे भी पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया होगा, तो बढ़ गया होगा। और मेरे शूज़ जो है पूरे भींग चुके थे, ये स्लीपर पहने हुए। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बैक, देखते हैं दारचा में अगर स्टे वगैरह मिलेंगे तो होम स्टे वगैरह कन्फर्म है कि वहीं पर रुकेंगे। कल सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 7 बजे निकलते हैं तो यहाँ पे वाटर फ्लो जो होगा बहुत ज़्यादा कम होगा। ये चीज़ ये जेसीबी वाले और बाकी जो लोकल्स हैं वो हमें बता रहे थे कि इतने दिनों से ये फ्लो है ये इतना नहीं था, ये आज ही हुआ है, किस्मत। कुछ अच्छे रोड पे से हम आए थे और ये देखो पानी का फ्लो ने क्या कर दिया, पूरा रोड बर्बाद कर दिया, रोड कट गया है। इधर से देख रहे हो आप पत्थर गिर रहे हैं, जब अभी नीचे जाके भी देखते हैं। GoPro का स्टोरेज फुल हो गया इसकी वजह से मोबाइल से कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी डिनर लग रहा है और प्योर ट्रेडिशनल स्टाइल में बैठे हैं सभी लोग, दी यहाँ पे खाना लगा रही है। थोड़ा सा राइस मेरे में, थोड़ा सा राइस एकदम थोड़ा सा, अचार होगा क्या, चावल दाल आलू गोभी की सब्जी। बाकी ये जो है रूम है, यहाँ पे दो मैट्रेस लगे हुए हैं और ये जो होम स्टे है वो हमें पड़ा 700 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग मील। कल का जो प्रोग्राम है, मतलब आज जो प्रोग्राम होने वाला था वो कल शेड्यूल हो गया और कल जो हमें निकलना है सुबह 6 से 7 बजे मैक्सिमम निकल जाना है, तभी हम जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। नहीं तो अगर लेट हुआ 7 से 8 बज गया तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग जो होगी ना मतलब खतरनाक बवाल होने वाली है अगर हम लोग जैसे जैसे लेट करते गए। और वही चीज़ आज हुआ कि 10:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकले ही थे जिसपा से और 12 या 12:30 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचे थे। ऊपर क्या होता है ना कि ग्लेशियर वगैरह मेल्ट करता है तो नीचे वाटर क्रॉसिंग और बढ़ जाता है, ऊपर से प्लस क्या था कि बारिश भी हो रही थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका फ्लो हो गया था। चाहते तो हम लोग कर लेते लेकिन फिर बाद में क्या होता ना कि ये वाला कर लेते फिर आगे भी वाटर क्रॉसिंग है तो वो सब में हमें डिफिकल्टीज हो जाती है। तो लोग थे हेल्प करने के लिए, वहाँ पर नहीं मिलते, तो ये सीन्स है जी। भाई हमारे सोने की तैयारी में पूरा लगे हुए हैं, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? जबरदस्त, नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार ही हो तो सही है। आज कुछ ऐसा हुआ, मतलब एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि बाइक तो सीधे गई नीचे, ऐसा भी नहीं कि मतलब जमीन पे गिर जाए, वाटर के फ्लो इतना तेज था कि वो डायरेक्ट नीचे ही जाना था खाई में, बाइक इतना फ्लो तेज था। वो तो कैसे कैसे करके सब लोगों ने मिल के बाइक को पीछे खींचा, अभी फिलहाल हम सेफ है, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगा, ये सबसे अच्छी बात है। और हम लोग सही टाइम पे वापस आ गए, नहीं तो अगर जिद किए होते जाने का तो आगे जो है और भी खतरनाक नाले थे और वाटर क्रॉसिंग जो रिवर वगैरह जो होते हैं उसका फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डेंजरस हो सकता था। लेकिन कल देखते हैं, कल अगर हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो क्या चीज़ें बदल सकती हैं वो वहाँ जाके पता चले। हालांकि यहाँ जो होम स्टे के जो मालिक मतलब ऑनर जो है वो बहुत बजा चुके हैं तो उन्होंने रिकमेंड किया कि सुबह में ही निकलना, अभी जो है सोते हैं, कल सुबह यहाँ के आपको नज़ारे दिखाते हैं, बहुत अल्टीमेट नज़ारे हैं।